कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार कलेक्ट्रेट हरिद्वार पहुंचे, जहां नाम नामांकन करने तमाम कांग्रेसी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद उन्होंने जन समस्याओं के निराकरण की बात कही और कहा कि मुझे जो लोगों ने जिम्मेदारी दी सौंपी है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। जनता की भावनाओं के अनुरूप ही मैं प्रत्याशी बना और कांग्रेस ने उस जनता के विश्वास पर अपनी मोहर लगाई। कांग्रेस ने वोट आपको टिकट दिया है, इससे पहले नाम हरीश रावत जी का चल रहा था, फिर अन्नू स्वरूप जी का नाम चला, फिर आपका नाम आया है और लोग भी। आप लोग जिसका चलाते रहो मालिक हो, हाईकमांड में तो रावत जी का नैनीताल से चला, यहाँ से मेरा चला। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे स्थानीय मुद्दा है कि यहाँ 14 विधानसभाओं में क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस क्षेत्र के प्रतिनिधि बनने का गौरव मिल सके, संसद में जा सके। मुख्यमंत्री तो इस क्षेत्र से हो सकता है, खुद तो संसद में क्यों नहीं जा सकता कोई इस क्षेत्र का आदमी 14 विधानसभाओं में? ये एक बड़ा सवाल है और बीजेपी ने इसकी अनदेखी की है। कांग्रेस ने जनभावनाओं का सम्मान किया है, इसके लिए राहुल जी को, हाईकमांड को, कांग्रेस को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ की जनता की भावनाओं को समझा और यही लोकतंत्र का तकाजा है। आप किस सामने आधार पे वोट मांगेंगे जनता के बीच जाके, वो आपको वोट जो देंगे, क्या मुद्दे होंगे, क्या चीज़ें होंगी कि भाई ये मुद्दा बहुत साफ है कि जाके पैर ने पड़ी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई, जो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है इन 14 विधानसभा क्षेत्रों का, वो न यहाँ की समस्याओं से परिचित है, न यहाँ लोगों के दुख दर्द में शरीक है, न यहाँ के लोगों से उसका लगाव है, न कोई कम्युनिकेशन है। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, लगातार सतत 45-48 वर्षों से संघर्ष में, हर समस्या के लिए मैंने संघर्ष किया है। अभी हाल में अगर आप देखें तो उत्तराखंड सरकार के इस आदेश के बावजूद कि यहाँ सिडकुल में 70% लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, क्या 70% लोगों को रोज़गार मिला? सरकार ही नहीं की थी, ये MP थे। ये मुझे बताया जाए कि जब कांग्रेस इस सरकार में गन्ना किसान सड़कों पर था, उसका 500 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा था बकाया था, तब क्या निशंक जी उनके आंदोलन में शरीक हुए, उन किसानों से हमदर्दी जताई, उनके लिए उनके दुख सुख में शरीक हुए?